आई 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 हमारी कादी। हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। आज सकरात का दिन है तो आज बहुत ही मस्ती होने वाली है। हम खूब पतंग उड़ाने वाले हैं और अभी हम लोग बाहर जा गए थे, चाय वाय पी के आए थे। पतंग उड़ाने का प्लान था सुबह सुबह का, अभी 8 कुछ बज रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ गए थे लेकिन सुबह से हवा ही नहीं चल रही थी तो इसलिए परेशान हो गए, पतंग ही ढंग से उड़ा नहीं पाया। बट अभी हवा चलेगी तो पतंग वतंग उड़ाएंगे और सुबह से बस इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से थोड़ी बहुत भी हवा चले और पतंग उड़ाए, क्योंकि हवा नहीं चलती तो फिर बहुत ज्यादा हाथ दर्द होता है भाई। सब कुछ रेडी है, पतंगे रेडी है, चरखी वगैरह रेडी है और फिर बढ़िया चलेंगे। तो अभी का सीन ऐसा है कि मैं आ चुका हूँ मेरे दोस्त के, पतंगे रेडी है, मंजा रेडी है, सद्य वाली चरखी भी रेडी है। अब कुछ नहीं करना, ऊपर जाना है और पतंगे उड़ानी है। बस भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर हे प्रभु हवा चल रही हो, सुबह की तरह मत कर देना कि हम बस हाथ हिलाते रह जाए और पूरे कंधे दुख जाए। तो चलता हूँ ऊपर और आज फुल डे पतंगबाजी चलेगी। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठे हम तो, सुबह 6-7 बजे से उठे हुए। साफ कर दूं सारा, साफ कर दूं सारा। मंजा आ गया यार, गई शिट मैन, लंबी गई। क्योंकि इतनी दुनिया भर की पतंग उड़ती है यहाँ पे तो पता नहीं चलता कौन सा मांजा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी हमारे यहाँ से मांजा निकल रहा था और हमारी पतंग कट गई। मांजा हमारी पतंग कट गई, कोई बात नहीं, अब मैं उड़ाऊंगा। अब स्पर्श उड़ाएगा और स्पर्श काटेगा, और इसी मंजे से काटी थी ना तुमने, पीले वाले से काटी थी। वेरी वेरी कॉन्टेक्ट because Manan is not appearing in my content, so I'm missing this lot of content. अभी पारिक भी आएगा, पारिक है हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा पतंगबाज, उसको पतंगबाजों की जो यूनियन है उसमें प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। तो अभी वो पारिक आएगा और वो भाई साहब उसकी खैच दिखाऊंगा आज आप लोगों को। बाल हिलते हैं, मतलब लड़कियां फिदा हो जाती है, लड़कियां कूद जाती है छतों से जब पारिक खैच मारता है, दिखाऊंगा जरूर। यहाँ पे बहुत ही शानदार वाला माहौल बन चुका है क्योंकि स्पर्श अब गेम में आ चुका है, स्पर्श उड़ा रहा है, साइड में डिवाइन का गाना चल रहा है, अब सबकी वाट है वाट। तो अभी हो क्या रहा है गाइस कि ये भाई हमारा पतंग तो उड़ा रहा है लेकिन इसके पतंग में इतने सारे मंजे आ रहे हैं, ये भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मैं नहीं लड़ा रहा पतंग किसी से, मैं सिर्फ संघर्ष कर रहा हूँ पतंग बचाने का। भाई ने एक पेज नहीं लड़ाया अभी तक, एक पतंग नहीं लड़ाई, चार पतंग मेरे ऊपर से जा चुकी है, वो तो बता जो बच्चे बता। और ये पतंग शानदार उड़ा रहा भाई, अरे पतंग में शानदार उड़ा था जब तक बस लड़ाता नहीं। वो गया, वो कटवाए कटवा दी भाई ने, पता कटवा दी नजर लगी। अब ये बात वो है जो कटवाएगा और समेटेगा, देखो भाई ये बात तो है, समेट रहा है ये चीज एडिट होगी कटवाने वाली। बहुत एथिकल इंसान है, बहुत एथिकल। दादा इस पर्स की मम्मी उसको डांट रही है तो नहा नहीं रहा, तो उसकी मम्मी ऊपर जाके पतंग तो उड़ रही है। मम्मी परेशान होके स्पर्श की मम्मी अब जा चुकी है, स्पर्श से साफ उम्मीद हार चुकी है उसकी मम्मी। वो काटे। पतंग लूटने की निंजा टेक्निक। पतंग उड़ाने की निंजा टेक्निक छुट्टी, आगे जाके छुट्टी दे दो। चश्मा बढ़िया लग रहा है तेरा, ऐसे ही बिल्कुल हीरो लग रहा है। दिवाली पे देखते तो ठीक था, दिवाली पे नहीं, नहीं यार अभी भी बढ़िया लग रहा है। नाउ वी आर बैक टू होम और अब जलवा चल रहा है, लेके आ मेरे लिए भी एक सकरात स्पेशल। और हमारी पतंग सबसे ऊपर, शिवू को पतंग उड़ानी नहीं आती तो उसने चैलेंज लिया कि वो पतंग उड़ाएगा और अभी मुझसे छुट्टी दिलवा रहा है और फिर अब बेइज्जती तो करवाएगा ही। पतंग उड़ा दी, आ गई। बस एक ही चांस मिलता है, करा ली बेइज्जती भाई, फाड़ मत देना शिवू। हां भाई आ गया सर, दुनिया से परे क्यों उड़ा रहा है, दुनिया वहां उड़ा रही है। आ गई इधर यार, फाड़ दे, उड़ा दी भाई, उड़ा दी। अरे तो लंबी तो कर ले, यही उड़ाएगा क्या, चला अब नहीं मिलेगा चांस, अब बाहर बजाओ। पतंग नहीं उड़ाना, बात बोली थी कि फाड़ना मत, फाड़ गई थी। शर्म नहीं आ रही, खुद फाड़ गई, अब गहरा में फाड़ गई। नहीं 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 तुम्हें उड़ाऊंगा ना अभी, तेरे आंखों के सामने उड़ाऊंगा, रुक जा। एक हल्की सी हवा चल जाने, थोड़ा
आई गया ना आखिर में हैशटैग लैंडी शिबू पारिक इन द हाउस पारिक इन द हाउस पारिक तेरी पतंग कौन सी है लेकिन यार अभी क्या है कि जस्ट अभी अभी हवा बदली है तो बड़ी हवा चली नहीं रही तो बड़ी मुश्किल हो रही है आशु भी आ गया आजा भाई और वो दो जिन्हों कोई मतलब नहीं है दुनिया से चटाई लाके बिछा ली और अब लैपटॉप लेकर जाएंगे और मैच देखेंगे इंडिया का इंडिया को हारते हुए देखना उनको तो ध्यान हो तो पारिक को आप लोगों ने मेरे उस वाले ब्लॉग में देखा था रोका वाले ब्लॉग में तो तीन चार बार मिल लिया इससे और मैंने अब नोटिस करा इसने बाल कटवा लिया और ये बोल रहे घर वालों ने भी हफ्ते भर बाद नोटिस किया इसने बाल कटवा लिया ऐसा क्यों पारिक हवा नहीं चल रही यार ठुमक ठुमक की पतंगें उड़ रही है अभी पारिक ने एक पतंग से छह पतंगें काटी है और इसकी कटी भी ऐसे है क्योंकि कोई कटी हुई पतंग की डोर जा रही थी उससे इसकी पतंग कट गई बैड लक अभी पारिक आधा उड़ा रहा है आधा बेसिकली बड़ी पतंग हाँ पौना पौना सॉरी पौना भी बड़ी होती है यार कौन छोटी होती है इससे अब कटेंगे बढ़िया बढ़िया पतंगे ये हमारे भारत के युवा दुनिया पतंग उड़ा रही है यहाँ पे बड़े बूढ़े सब पतंग उड़ा रहे हैं हमारे भारत के युवा आराम फरमा रहे हैं इतने बढ़िया मौसम में जहाँ पतंगों का मेला लगा हुआ है पतंगे पतंगे उड़ रही है पारिक एक एक पतंग से पांच पांच छह छह पतंग काट रहे हैं एंजॉय कुछ नहीं करना आगे धूप में पड़ गए बस तो पारिक कितनी काटेगा लंबी लगाते हैं और पारिक कम से कम तीन चार तो लेके जाएगा जी लेने दो भरी बरसात में पी लेने दो दूसरा हुनरबाज फर्श इज आल्सो हियर तहलका मचा दिया इसने वेल डन पारिक दो दो पतंग काट चुका है वो गाड़े अपनी गई भाई डोर अटक चुकी है पतंग में इसकी पतंग और आ गई अपनी और जाएगी तो लंबी जाएगी दुनिया से लंबी जाएगी अपनी क्योंकि हमारी पतंग सबसे ऊपर है अभी वो रही अब बस राम का नाम जपो पतंग देख तो कहाँ पे है यार कैमरे में भी नहीं आएगी है तो पड़ेगा पकड़ेगा चल की पतंग पे फोकस मारना चाहता हूँ हमारी वो रही पतंग बाप रे कहाँ दे रखी है यार कैमरे में भी नहीं आएगी तो वो रही हमारी पतंग अगर यहाँ से दिखाऊँ तो दिखेगी भी नहीं शायद वो रही स्पेशल खेच आने वाली है पारिक की खेच आ रही है हाँ यार ले लिया वो भी ऊपर क्या करते काट दिया क्या वो काटो बहुत ही गंदा उड़ाते हैं पारिक उन लोगों में से जो बहुत जिसको एक चरखी वाला चाहिए ही चाहिए और नहीं तो क्या ये क्या क्या बदतमीजी है ये तुम्हें मारते जा रहे हो खेच मारते जा रहे हो आ रही है भाई आशु भी इज वॉचिंग मैच मैच देख रहे हो हमको भी दिखाओ मैच का क्रेज क्या है यार कितने रन चाहिए 111 चाहिए और विकेट कितने हो गए उनके 8 ले लेने 2 गए तो क्या ले लेंगे क्या पता नहीं यार बहुत स्विंग तो बहुत प्यारी हो रही है 111 नहीं 8 ले लेंगे मेरे को तो नहीं लगता कुछ कौन कौन है सिराज शमी बुमराह हमेशा तो शाहदुल क्या लगता है स्पर्श इंडिया जीतेगी आ रही है जो स्पर्श बोलेगा वही होगा मैं देखते नहीं है तो तू बस बोल दे हाँ पारी की खेच आ रही है चली सवारी लेकिन मार किस पर है आई 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 कुछ ही नहीं हुआ पारिक काटी ऐसा कोई खाली कैच में थोड़ी ना समेटूंगा हवा में कैच मार दिया और बोल रहा समेट नहीं नहीं वो चांदारे को काटी हो तो मैं तो मजे ले रहा था एक बार इसकी उंगलियां देख लो भाई लोग ऐसे ही नहीं है खून बहाना पड़ता है इसमें देखा भाई अरे वो पारिक के हाथ से झरना बह रहा है ये पड़ी खरोच पड़ी है तेरे को पारिक तेरा हाथ दिखाना एक बार इस भाई ने अपनी उंगली कटवा ली आपसे चार उंगलियां हैं इसकी और तेरे को मेरे कितनी कटी यहाँ बहुत दर्द है बुरा ना मन चर के भर के ला रहा होगा डोर आगे गया और मनन भी आ चुका है पनौती देख लो मनन के आती पनौती बना चालू हो गया डोर आके पतंग कट गई सर्दी से गर्मी आ रही है अभी आज देखती गर्मी कौन से जयपुर में रह रहा है तू फिर इतनी ठंड नहीं थी भाई देखा तो बिना उसके पारी तो चड्डे में पारी चड्डे में आज पजामा पहन के आया था इतनी रंग बिरंगीदार पतंग लाता है मनन देखने वाले की आंखें चौंधी आ जाए जा नहीं रहा तू तेरे दोस्तों के मेरे दोस्त ही हैं ये है नाटकबाज क्यों भाई डंडिया की टी शर्ट अच्छी लग रही है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मिनियन का इंस्टाग्राम का डाल देना आगे पिछले साल की है शन्ना का सोडा लाई तो है शन्ना बाबू भाई शन्ना एक तो भाई और एक शन्ना मतलब खुद के दो ब्रांड है उसके शन्ना और बाबू का कंटेंट अच्छा मिला मंजा तक के अंदर से पड़ी ओह माय गॉड बहुत ही दर्दनाक खेल है भाई इतनी बार नमक मिर्च लगता है इस पे मतलब सब्जी खाएगा ना हर जगह अंदर तक मरन की पतंग नीचे जाती पारे का भी जो सामने जो घर दिख रहे हैं उसमें एक साथ तीन चार लोग ही काटने वाला है पतंग तो ये करिश्मा भी होते हुए हम आज देखेंगे पारिक क्या तो
We'll be right back.